मैं जब यहाँ 7-7:30 बजे के लगभग मैं आया यहाँ पे, तो उस महिला को देखा वहाँ पे, वो बैठी थी। तो बैठी थी तो मैंने उनको कुछ पूछा नहीं, फिर मैं ऐसा फोटो पूछते मतलब यहाँ तक आ गया। आने के कुछ टाइम के बाद फिर एक चक्कर गया तो भी महिला वहाँ बैठी थी। बैठने के बाद में अभी क्या हुआ, कब उठ हुआ, तो फिर मैं वापस आ गया। वापस आया यहाँ पे तो वहाँ गर्दी हो गया, तो यहीं से मैं देखा तो कोई गिरा हुआ था, मतलब आवाज़ आया कि गिरा हुआ है। तो यहाँ पे कांस्टेबल लोग था, तो उन लोग को मैं आवाज़ दिया, तो 4-5 कांस्टेबल और दो लेडीज भाग के वहाँ तुरंत गया वो लोग, उसके पीछे से मैं भी गया। जाने के बाद यहीं से मैं देखा तो मालूम पड़ा कि कोई लेडीज है, तो जानकारी हुआ तो मैं भी भाग के गया उधर पे। उधर जाने के बाद में रस्सी से पकड़ के मतलब वो था, तो टायर जो बचाने के लिए डाला गया था तो कुछ दूरी पे चले गया था। बाद में मैं अपना कपड़ा निकाल के डायरेक्ट उड़ी मार के और उनको गले में पहनाया वो, और पहना के उनको बाहर निकाला। ऐसा तो कई दफ़ा हम लोग कर चुके हैं, एक दो दफ़ा और भी हो चुका है ऐसा। तो उस टाइम हाई अलर्ट कम था, लेकिन कल थोड़ा जास्ती था। तो भी हम मतलब उसकी जान के मतलब बचाने के चक्कर में मैं स्वयं अपना उड़ी मारा बचाने के लिए। उस वक्त आपके दिमाग में क्या था? कुछ नहीं, खाली बचाने का ही ये था, बाकी और कुछ नहीं। बचाने का उसका ये था कि मतलब कैसा भी वो बच जाए। ऐसे बहुत सारे सब जो बम विस्फोट हुआ था इसके पहले टैक्सी का यहाँ पे, तो उस टाइम पे भी हम लोग बहुत आदमी को जो टैक्सी में दो दो आदमी को भर के हम लोग संजर हॉस्पिटल भेजा, ऐसा